हिंदी कम जानता है, हम बोले अंग्रेजी कम जानता है, तो ये फोन पे उसने स्क्रैच किया। सुप्रभात बाबू लोग, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से बच्चों के जो ब्लॉग को देख रहे हैं, अभी यमुनोत्री यात्रा हमने कर दी है शुरू। बस यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर मंदिर रिंकू अचोर में चल पड़े हैं। बस अभी अंधेरा है, अभी समय हो चुका है वैसे 3, तो मैं दिख नहीं रहूँगा, लाइट नहीं आ रही क्योंकि बस, लेकिन आपको पूरा सफ़र दिखाते हैं। चुके हैं अभी, देव अंकल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके थे हमसे ये। और देखो ऊपर बर्फ दिख रही है भैया की, जय शिव शिव लग चुके हैं, भजन बढ़िया। जय जमुना भैया। तो अभी हो चुके हैं 3.5 और 1 किलोमीटर हम कर चुके हैं कवर। कितनी देर में कर लिया हमने? 15 मिनट में। हाँ, 15 मिनट 15 मिनट में कर लिया, 4 किलोमीटर बाकी रहा बस, चौका लगेगा। हाँ, तो अभी हो चुका है 3 किलोमीटर का सफ़र तय, और हम थोड़ी देर रुके क्योंकि खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल न, 2 किलोमीटर शेष बचा और घंटे भर में ख़त्म हो जाएगा, घंटे से जल्दी कर लेंगे। अभी सब बैठ चुके हैं रेस्ट करने, तो बीच में सुविधाएँ हैं, टेबल की, लाइट की है, या पानी की सुविधा भी है, डस्टबिन भी लगे हर जगह पे, और दुकानें तो मिल जाती हैं, लेकिन अभी बंद हैं क्योंकि 3:30 बजे कौन ही खोलेगा दुकान वैसे भी। 4 बज गए। हाँ, 4 बज गए। तो मात्र 500 मीटर का सफ़र आया है, सिर्फ 5, और 5 बज रहे, 5 बज चुके हैं वैसे, 500 मीटर का सफ़र रहा, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन क्या ही पहाड़ है यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही हम कुंड में स्नान करेंगे तो आपको लाइव दिखाएंगे, कुछ ही देर गर्म कुंड, गर्म पानी, गर्म पानी, मजा आएगा। तो यमुनोत्री मैया के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सामने है, और ऊपर पहाड़, ग्लेशियर, ठंडे बर्फ पड़ी हुई है, देख सकते हैं हम यमुना का साफ साफ पानी, यहाँ सराइन भी है, सराइन की सुविधा भी है यहाँ पे, और बढ़िया खाने पीने की सब अच्छा है यहाँ पे, यहाँ घोड़े गाड़े खेलते हैं। अभी दुकानें बंद है क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए 5 बजे। बाकी हमारे साथ देव जी, स्वस्थ हैं? बढ़िया है, बढ़िया, स्वस्थ, बढ़िया स्वस्थ एकदम। थकान तो नहीं हुई ज़्यादा पहुँचते पहुँचते? और रिंकू आचू जी फोटो खींचते हैं यहाँ पे, फेसबुक पर डलेगी है। जो वो ठंड बड़ी है यहाँ पे, मैं 3री बार आ गया इधर, मैं 5वीं दफ़ा आ गया। हाँ देखो, ये उपलब्धि है 5वीं हर इंसान की, इंसान सोचता है कि हमने केदारनाथ जाना, वहाँ जाना, जा नहीं पता है, जब बुलावा आता है, बुलावा, हाँ, इंसान पहुँच जाता है बस। जी अच्छा अच्छा ऊपर से संघर्ष से पहुंचने के लिए, जैसे मर्जी पहुंचे लेकिन पहुंच नहीं है परमात्मा के पास।
जी 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 रात को पहुंच गया सर। तो अभी पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम, बस आपका मंदिर के दर्शन करते हैं। पहले गर्म कुंड में होगा स्नान, उसके बाद दर्शन, दर्शन उसके बाद खाने और पीने का उचित प्रबंध है। आपको सब मंदिरों के दर्शन कराएंगे आपको। साथी मिल गए रास्ते में, हरियाणा भैया दिखाऊंगा यमुना टाइगर भैया का लास्ट। हाँ देखो भैया इतनी साफ स्वच्छ, बगे पहाड़ पर ग्लेशियर बर्फ। यहाँ पे सराइयाँ ठहरने के लिए खाने की व्यवस्था भी है। चलते हैं मंदिर। तो अभी हम महिला स्नान कुंड ये यहाँ पे है और पुरुष स्नान कुंड ऊपर है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे कुंड में नहाएंगे बढ़िया से, गरम गरम पानी। हाँ उसके बाद जाएंगे ऊपर मंदिर। तो चाचू जी के साथ तितली भी आ चुकी है साथ में, देखो ऊपर बैठी हुई, सर पे बैठी तितली। इसका भी सौभाग्य है, इसका सौभाग्य जो आपके सर पे आई है सवारी करके। अभी स्नान होगा। जय जमुना भैया। जय ये है कृष्णा स्नान करते हुए और बलदेव, और ये जो लड़का पकड़ा हुआ ये है रुड़की से, नयन रुड़की से, ये काफी देर से नहा रहे हैं। और ये किसका भाई ये है, आपका क्या नाम है? तो अभी जो स्नान करके बढ़िया से आ चुके हैं, अब करेंगे दर्शन। और वीडियो बन चुकी है बढ़िया हमारी जी, यहाँ पे फ़ोन पे लिंक हुआ ये फ़ोन पे। यहाँ पे फ़ोन पे अब दिखाते हैं सूर्यकुंड आपको उबलते हुए जो शाम। तो ये है सूर्यकुंड उबलते हुए पानी के बुलबुले, उसमें गर्म है बिल्कुल, बहुत गर्म है बिल्कुल। जय माता दी, जय जमुना भैया, जय जमुना भैया, सोना है भगवान की जय। ये मेरे परमात्मा, तो सभी भक्तजन कर लो दर्शन। ये रहा सूर्यकुंड यमुना मैया। तो अभी हम कर चुके हैं पूजा पाठ सब मस्त बढ़िया है, संकल्प लेके बाकी आपको मंदिर दिखाते हैं पूरा। अब अच्छा व्यू हो चुका है क्योंकि 6 बज चुके हैं और यहाँ गाने गुड़ने लग चुके हैं, बढ़िया भजन लग चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं और बड़ी बड़ी फोटो लेते हैं यहाँ पे। और कृष्ण जी की बात तो ये है यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री का मंदिर। और वो देखते हैं आप बर्फ ऊपर, फोकस थोड़ा। तो दर्शन हो चुके हैं बढ़िया से, अब यार नीचे रूम की तरफ नीचे आके खाना खुना की व्यवस्था देखते हैं, आते हैं तब तक बाकी श्रद्धालु बन भी आ जाएंगे नान को नीचे। फिर मासा यात्री आए हैं बाकी रास्ते में कभी चले हुए हैं, समय लग जाएगा इनको। तो अंकल हमें बता रहे थे अंकल के रूम के साथ एक अंग्रेज था जिससे अंकल उससे हम चार्जिंग कराई है, फोन में चार्जिंग करवाई। तो बोले हम हिंदी कम जानता है, हम बोले अंग्रेजी कम जानता है। तो ये फोन पे उसने स्क्रैच किया और उसने उसमें
फोन में लिख के आ गया कि मैं हिंदी कम जानता हूँ, फिर मेरे को बोला उसने कि फोन में आप बोलो, मैंने जी मैं अंग्रेजी कम बोलता हूँ। तो दोनों हो गया, एक नैला हो गया, एक दैला हो गया, और काम बराबर बात हो गया, हो गया आ, और हमारे से मिले और कब सब हुई, आपने खाना खिलाया और उसने थैंक यू की फोन पे ऊपर हमारे को कि आपके खाना खाने के खाने के खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा उसने थैंक यू, फोन में लिख करके दिया थैंक यू, जो आपने आपको मेरे को खुला दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सराय में है हिमाचली भवन, जो भी हिमाचल से आते हैं वहीं पे ठहरे हैं हिमाचली भवन में, बढ़िया व्यवस्था है। सारा रोड देखा डंगे पे टिका हुआ सारा, ये डंगे पे है पहाड़ साइड में, डंगा डंगा दिया साइड सारा, और नीचे देखो नीचे का मंजर तो बिल्कुल हाँ इतने दौड़ने आराम से। क्यों रिंकू अचू, अरे रिंकू अचू मिस्त्री पता नहीं कौन सा होगा जिसने डंगे डंगे दे के ये बनाया है, इतने मतलब रिस्क में मतलब सोचना ही वो है कि रिस्क में कैसे नीचे गिर गया। हाँ ये पूरा मतलब डंगे पे है, ये डंगा बिल्कुल कैसे दे के बनाया होगा, क्यों मतलब आप देख सकते हैं डंगे पे किस तरह से क्या ही कौन को पीछे रखेंगे, मतलब पूरा डंगे पे है भाई सब हवा पे ही ऐसे, मतलब देखो नीचे लोहे के लगाए हुए हैं, लोहे की सपोर्टें उसे टिका हुआ है यहाँ से पर तक, ऊपर भी ऐसे ही है कई जगह पे, मतलब रोड जाने का स्कोप कोई नहीं किस तरह से बनाया होगा क्या ही। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें रास्ते बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको, रास्ते पर अच्छी सुविधा मिल जाएगी। हाँ थोड़ा कॉस्टली मिलेगा कि नीचे से ऐसे बिस्कुट आप 5 रुपये का नीचे मिलता है, यहाँ पे 20 रुपये का मिल सकता है वो बिस्कुट, इतने का तो रखेंगे डबल रेट तो होगा ही, ऐसे तो रखेंगे परांठा भी आप खाने जाएंगे तो 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा, एक जुराब है उसमान है, लेबर इतनी महंगी पड़ती है इस वजह से यहाँ पर खाना महंगा मिलता है। आप कचरे में आ रहा है सामान देख लो, मतलब देख सकते हैं ढांक कितनी वो है, मतलब यहाँ से घोड़े पे जा रहे हैं तो बिल्कुल मुंडी नीचे करके आना पड़ता है, क्यों बस थोड़े से हाइट का फर्क है, मतलब 7 फुट का आदमी तो ऊपर आराम से उसका सर लग जाए, इसलिए पहाड़ों पर रिस्क भी बहुत है, ये सावधानी से हर जगह एहतियात ज़रूरी है, एहतियात बिल्कुल। पहुँच चुके हैं अपनी धर्मशाला यमुना श्याम हिमाचली राज निकेतन हिमाचल भवन, वो देखो भी ऊपर इतने ऊपर से आए हम, मतलब इतना ऊपर तो नहीं, मतलब थोड़ा 5.5 किलोमीटर राशन पानी वहाँ पे सभी यात्रियों का होगा भोजन, ये जी हिमाचल वालों के लिए हिमाचल भवन। तो अभी हो चुका है एकदम बारिश का मौसम और खाना भी अभी बन चुका है, यात्रियों को अब नीचे खिला रहे हैं तो आपको दिखाते हैं क्या क्या बनाया आज, ताकि आपको मौसम दिखाते हैं बारिश का, ऊपर तो बर्फ पड़ रही होनी काफ़ी ज़्यादा नहीं लूँगा एक तो अभी बस चल पड़े हैं उत्तरकाशी के लिए, बारिश लगी इसलिए मैंने थोड़ा रेनकोट पहन लिया है। हाँ अभी अभी ये भी 298 बात हो रही है, बस अभी निकल रहे हैं आपको उत्तरकाशी मिलते हैं ना कि रोड का बताएंगे थोड़ा बहुत, रोड का तो बड़ी खस्ते हाल हो चुके हैं वैसे भी इस समय जो बरसात का मौसम है ना, बस निकलता हूँ पूरे तो अभी पहुंच चुका अपने ट्रेवलर बस के पास में, सब थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि थोड़ा सामान है जो मैस का ऊपर ना खान बना वाला सामान थोड़ा सा बुला रहे हैं बोटी अभी बस, और माइक में बोल रहे हैं जो भी गायब हैं जो भी के मिल रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं मिल लो यहाँ पे आके लापता लोग।
तो अभी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, जाएंगे हम सराय की तरफ, अभी सारा सामान लेकर जाएंगे पहले साथ में, इसका भी जो भी सब जाएंगे साथ में। काली कमली धर्मशाला में पहुंच चुके हैं, हमने अपना सारा मैस का सामान यहाँ पर रख दिया है, ऑटो में आया मस्त बढ़िया। आगे से ऊपर है रूम, जाते रूम में भी और थोड़ा बाहर टेंट ले जाएंगे। तो ये रहा अपना कमरा, भाई कपड़े डाल दिए यहाँ पे सुखने। तो अभी देव जी और रिंगू अच्छू और मैं अभी नाइट आउट मार रहे हैं, मस्त यहाँ पे घूम रहे हैं पुल पे। तो हावड़ा ब्रिज उत्तरकाशी, मतलब ये ब्रिज की साइड वाली इतनी जगह थी ना, जब बाढ़ आई थी ना उस टाइम सब सब चली गई बिल्डिंग के साइड में, तो हम बस इसके पुल के साथ वाली बिल्डिंग पे ठहरे हैं अभी भी। अभी दिख रहे हैं लाइट थोड़ी अच्छी नहीं है, बाकी कल अभी हम चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, गंगोत्री जाएंगे। तो बाकी ब्लॉग करते हैं, कल मिलते हैं ब्लॉग, तब तक शुभ रात्रि। 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर ठीक है ठीक है। देव जी लगे सोने की तैयारी करने, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक शुभ रात्रि।